यात्रा पूरी करने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं निधिवन का, ये जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये शाहजी मंदिर। शाहजी मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो खम्भे हैं वो टेढ़े मेढ़े खम्भे हैं, प्लस इसकी और भी कई ख्यातियाँ हैं जिसको लोग देखने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। ये हमारे साथ जो शख्स हैं वो पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि क्या निधिवन क्या है, उसके अलावा क्या क्या है। बताइए क्या है निधिवन के बारे में, क्या क्या खूबे हैं? जिसको वृंदावन जो बोलते हैं, वृंदा नाम हुआ तुलसी का, हाँ, और वन हुआ जंगल का, हाँ, नाम हो गया वृंदावन। वृंदावन जन्म हुआ मथुरा में, हाँ, पालन हुआ गोकुल में, हाँ, राजा कंस था मथुरा का, हाँ, उसके यहाँ क्या है कि मतलब राजा कंस ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए अकासुर बकासुर पूतना राक्षस सबको वहाँ पर भेजा, हाँ, मगर गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा यशोदा माँ ग्वाल वाल सब वृंदावन आ गए। तब भगवान ने अब बॉल का खेल खेले, बॉल को यमुना में गिराया, हाँ, 3 दिन 3 रात्र युद्ध किया, हाँ, युद्ध करते करते भगवान जब थक गए, हाँ, तो माता पिता से बोले मैं थक गया हूँ और मैं विश्राम करूँ। माता पिता ने अपनी गोदी में बिठा के भगवान को विश्राम कराया, बोले हाँ, मुझे भूख भी लगी है, हाँ, माँ कंधे, तो माँ बोली बेटा तूने क्या खाया? तो भगवान बोले मैया एक बात बतला, यमुना में कहीं माखन रखा जो मैं उसको खाता, माखन तो नहीं मिला, मैं तो बॉल लेने के लिए गया, कालिया नाग मिल गया, मुझे युद्ध करना पड़ गया, है ना। तो 3 दिन 3 रात्रि युद्ध किया, बाहर जब आए तो यमुना के अंदर से जब आकर के माता पिता को दर्शन दिया, तो बोले मैं थक गया हूँ मैं विश्राम करूँ। तो माता बोली कि बेटा तूने क्या खाया? तो भगवान बोले मैया मुझे माखन नहीं मिला, मैंने मिट्टी खाई, वहाँ से मेरी भूख मिटी। बोले तूने मिट्टी खाई? बोले हाँ। तब उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन कराया, तो वो बोले कि बेटा तेरा खेलना और हमारा मरना, तेरी लीला को कोई नहीं जान सकता। उसी समय यमुना के अंदर से आकाशवाणी हुई, क्या हुई कि कहने लगे कि बुढ़ापे में एक बेटा मिला, वो भी नदी के अंदर गिर गया, हमारा कोई सहारा नहीं बचा, अब हम जी करके करेंगे क्या, अब हम भी अपने प्राणों का अंत करते हैं। तो यमुना के अंदर जैसे कूदने को जा रहे थे, तो एक रुपया कालिया नाग के साथ में युद्ध कर रहे, दूसरा कछुआ का रूप धारण किया, माता पिता उसको देख के डर गए, कहने लगे अब हमारे बेटे को तो खा गया, अब हम खूब ही खाना चाहता है। तो उसी समय यमुना के अंदर से आकाशवाणी हुई, बोले कि माँ बाबा तुमको प्राण प्यारा लगा, बेटा प्यारा नहीं लगा, अगर तुम मर जाते या गिर जाते तो मैं तुमको मरने नहीं देता। गुस्से में क्रोध में ये श्राप दिया कि आने वाले कलयुग के टाइम में माता पिता बैठा रहेगा, जवान जवान बेटा बेटी उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज वही कलयुग चलता है, उस श्राप की मुक्ति के लिए जो वृंदावन भक्त लोग आएंगे, मेरा जो दर्शन करेंगे, उन भक्त लोगों को श्राप से मुक्ति प्रदान होगी, इसीलिए उनका दर्शन है। तो बोले मेरा बेटा जब बाहर आएगा तो यहाँ के जितने भी ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं, ये तीर्थ के साक्षी हैं, हमारे पुरोहित हैं, हम ये वचन दे चुके हैं, अगर हमारा बेटा बाहर जब आएगा तो कृष्ण के हाथों से 9 लाख गायों को ब्राह्मणों को दान देना। तब से गौ लोग भूमि बोलते हैं, तब कहते हैं कि काली धय पै खेलन आयोरी मेरा वारो कन्हैया। तो भगवान का पहला लीला वहाँ पर है, उसके बाद कदम का पेड़ है जहाँ गोपियाँ बैठ के स्नान कर रही, गोपियों को ये ज्ञान दिया कि वस्त्र उतार कर स्नान नहीं करो, क्योंकि ऊपर सूर्य नारायण है, नीचे जल की देवता वरुण है, गोपियाँ नहीं मानी तो कपड़ा लेके चढ़ गए। आज भी वही कदम का पेड़ है जो भगवान के समय, यानी भागवत में उन चीज़ों का प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, लेख है। निधिवन के बारे में उसके बाद में जब गोपियाँ नहीं मानी तो कपड़ा लेके चढ़ गए, हो गया चीरहरण घाट, कृष्ण की पटरानी है यमुना मैया, साक्षात स्वरूप है, उन चीज़ों को वहाँ दर्शन। 5 चीज़ें नहीं होती तो वृंदावन नहीं होता। पहली यहाँ की भूमि है, दूसरी यमुना जी है, तीसरा गोवर्धन है, बंसीवट है, कदम का वृक्ष है, और यहाँ का पुराना मंदिर वृंदावन बिहारी जिनके नाम से वृंदावन गोप किया। तो निधिवन के अंदर में स्वामी हरिदास संत थे जिन्होंने 12 साल बैठ करके वहाँ तपस्या की, तपस्या के द्वारा भक्ति के द्वारा उनको स्वप्न दिया, बोले हम जमीन के अंदर हमको यहाँ से निकल, तो वहाँ से 2 मूर्ति प्रकट हुई, वृंदावन बिहारी और बांसी बिहारी, दोनों मूर्ति समाधि में रह नहीं सकती, अलग अलग जगह में अलग अलग रूप में उनको विराजमान कराया गया। निधिवन के बारे में ये उसी जगह में ही
तो उसी जगह के अंदर से ही निधि, पहला नाम हुआ वृंदावन, दूसरा नाम हुआ निधिवन, तीसरा नाम हुआ मधुवन, चौथा नाम हुआ निकुंजवन, है ना। तो वहाँ जितने भी वृक्ष मिलते हैं, कोई भी वृक्ष न सीधा मिलेगा न सिंगल मिलेगा, सब जुटे हुए मिलेंगे और जोड़े के साथ में मिलेंगे। उन लोगों के वहाँ समाधियाँ बनी, उसी जगह शाम के टाइम में लड्डू दातून पान बीड़ा लोटा में पानी फूलों की सैया श्रृंगार का सामान उस जगह रखे के जाते हैं। छह ताले वहाँ पर लगते हैं। सुबह को जब आएंगे 4:45 बजे छह तालों को खोलेंगे, पर्दा हटाएंगे, दर्शन कराएंगे, लड्डू खाया हुआ, दातून चबा हुआ, लोटा का पानी फैला हुआ, वो सब मिलेगा। और 8 बजे से पहले चिड़िया बंदर जीव जंतु सब मिलेंगे। 8 बजे के बाद में उस जगह को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु कोई भी चीज़ नहीं रहेगा, पूरा मंदिर बंद हो जाएगा। अगर सुबह देखना है तो 4:45 बजे यहाँ करके आप देख सकते हैं। रासलीला, हाँ रासलीला है वही जो जगह है। तो दिन में वृक्ष हैं मगर रात्रि को गोपी और कृष्ण का रूप है। 16108 गोपियाँ हैं और 16108 ही कृष्ण है। तो गोपियों की मन की इच्छा पूरी करी भगवान ने, जब से मनोकामना का तीर्थ बोलते हैं वृंदावन, तब कहते हैं वृंदावन सौ बन नहीं नंदगाम सौ गाँव और बंसी वट सौ वट नहीं कृष्ण नाम सौ गाँव। कि वृंदावन के वृक्ष को मरमन जाने हुए और डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हुए। तो कृष्ण की लीला यहाँ पर देखने को खूब मिली, चाहे वो शेषनाग के साथ में युद्ध हो, चाहे रासलीला हो, चाहे अन्य कोई बातें, ये सारा यहाँ पर वृंदावन में देखने को मिलेगा। बहुत ही गूढ़ और बहुत ही शानदार जानकारी हमें, क्या नाम बताया था आपने, राजेश्वर ने दी है, और यहाँ की एक एक रग रग से वाकिफ है। तो हम धन्यवाद देते हैं राजेश भैया को, और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लोगों को दिलाई। और अब हम कौन सा मंदिर है, शाहजी मंदिर जाके और एक भ्रमण करके आते हैं, और आपको फिर दौड़ा फिर दिखाएंगे कि क्या क्या खूबियाँ हैं वृंदावन में।